प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालाजी माँ का मंदिर आज सूर्य ग्रहण के दिन भी पूरा दिन भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहा। रोजाना की तरह ही आरती के दौरान ही माँ के कपाट भक्तों के दर्शनों के लिए बंद किए गए। सूर्य ग्रहण के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु माँ ज्वाला के दर्शनों के लिए पहुँचे और उन्होंने अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ का जप तप भी किया। प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालाजी माँ का मंदिर आज सूर्य ग्रहण के दिन भी पूरा दिन भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहा। रोजाना की तरह आरती के दौरान ही माँ के कपाट भक्तों के लिए दर्शनों के लिए बंद किए गए। सूर्य ग्रहण के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु माँ ज्वाला के दर्शनों के लिए पहुँचे और उन्होंने अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ कर जप तप पाठ किया। मंदिर के पुजारी अविनेंद्र ने बताया कि सुबह 8:18 से ग्रहण की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने कहा कि साल 2019 के इस अंतिम सूर्य ग्रहण के दिन ज्वालाजी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना कर मां ज्वाला का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ग्रहण के दिन अन्य मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ज्वालाजी में स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ एक ऐसा मंदिर है जहां ग्रहण होने पर भी मंदिर मां के भक्तों के लिए खुला रहता है और भक्त जहां मां के दर्शन करते हैं वहीं मां को अपने द्वारा घरों व बाजारों के दुकानों से लाया गया प्रसाद भी चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि अग्नि के आगे सब वस्तु पवित्र होती है और मां ज्वाला के मंदिर में ज्योति रूप मां ज्वाला स्वयं विद्यमान है। ऐसे में अग्नि के आगे सब वस्तु पवित्र है, इसी के चलते ग्रहण में भी ज्वालाजी मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। उन्होंने बताया कि 11 बजे तक ही ग्रहण था और उसके बाद ये खत्म हो गया। जय माता की। आज हमारे 2019 का लास्ट सूर्य ग्रहण हो रहा है और सूर्य ग्रहण है बड़ा ही पवित्र समय कहा गया है हमारी हिंदू संस्कृति में। इसमें किया हुआ जप तप यज्ञ और पूजा पाठ जो है वो सहस्त्र कोटि गुणा फल देता है और हमारे भारत में या हमारी हिंदू संस्कृति में ग्रहण के समय सभी मंदिरों को पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन केवल शक्तिपीठ में और वो भी ज्वालाजी मैया में, यहाँ जो ज्वाला में मुखी मैया ज्योति रूप में विराजमान है, इसलिए अग्नि के आगे हर वस्तु पवित्र होती है। इस भाव से यहाँ पर मंदिर जो है वो खुला रहता है। यात्री भोग लगाते हैं माता जी को, महामय भोग को ग्रहण करती है और इसी समय यहाँ पर यज्ञ भी हो रहा है और सभी भक्तजन अपना जप तप यज्ञ कर रहे हैं और ये बड़ा ही विशेष समय है। बोला जी, मैं पंजाब मलोट से आया हूँ जी। आज ग्रहण के मौके पर मैं माँ ज्वाला देवी जी के मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पहुँचा हूँ, तो बहुत मन में संतुष्टि है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। माँ के दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत मन शांत है, संतुष्टि है पूरी, एकदम भूख खिली हुई है पूरी तरह, मौसम बढ़िया है, माता रानी की असीम कृपा है जी, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, खुले दीदार हुए हैं माता जी से, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जय माता दी जी। जय माँ। जय माता जी। मैं दीक्षा पंजाब से आया ज्वालामुखी देवी के दर्शन करने। बहुत ज़ोरदार सर्दी है यहाँ पे और महाराज के दर्शन बहुत अच्छे हुए, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, महारानी की बहुत कृपा, और ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाई रखे, हमें अपने दरबार में दर्शन करवाती रहे माँ। जय माता।